मुझे मांगों पर बोलने का अवसर दिया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। आज सौभाग्य की बात है कि आपकी कृपा से ऐसी मांग पर बोलने का अवसर मिल रहा है जो देवस्थान से जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले खाटू श्याम जी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था और दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहारों के लिए 600 मंदिरों के लिए 13 करोड़ रुपए की साज सज्जा और आरती की व्यवस्था करने के लिए माननीय श्री भजनलाल जी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे संबंधित मंत्री श्रीमान जोराराम जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस अवसर के ऊपर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा और तीर्थराज पुष्कर, ये चारों पूरे विश्व के अंदर अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। राज्य सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इनको तीर्थ नगरियां घोषित की जाए और यहाँ पर मांस और शराब का बेचना और ग्रहण करना दोनों अवैध घोषित हो। इस पर सारे सदन को एकजुटता दिखानी चाहिए और ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब सदन ने एकजुट होकर अपना विचार व्यक्त किया है और एकजुटता दिखाई है। आदरणीय सभापति जी, यह धन जनता का है, सरकार उसकी ट्रस्टी है और देवस्थान के मामले में हमारी भूमिका सिर्फ सेवक की है। न कोई देने वाला है, न कोई लेने वाला है, जनता का पैसा है, जनता के पास जाना है। लेकिन अगर ठीक से आय व्यय का पूंजी प्रबंधन हो जाए और उचित आवंटन हो जाए तो जनता हमेशा खुशहाल रहती है, सुखी रहती है, आगे बढ़ती है और ऐसा नहीं लगता कि हम टाइम पास कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के 50 ऐसे स्थान हैं जहां के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उनका उद्धार किया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। महोदय, समय समय के ऊपर देवालयों के नाम पर, देवस्थानों के नाम पर ऐसी कार्रवाई होती है जो लोगों को बांटने का काम करती है, दिलों में दर्द पैदा करने का काम करती है और आगे बढ़ते हुए देश को रोकने का काम करती है। जैसे आदरणीय गहलोत साहब की सरकार के समय मंदिरों के पुजारियों की परीक्षाएं लेकर के नौकरी देने का काम किया गया, ये गलत नहीं है, गलत नहीं था, लेकिन उसकी जो भावना थी वो तुष्टीकरण से प्रेरित थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे बाबा जी बोल रहे थे, इनका जो गोरक्षधाम पीठ है मुख्य गोरखपुर में, हमारे उदयपुर से गए हुए महात्मा जी ने गोरक्षधाम पीठ की वहां पर स्थापना की थी, जिसका संबंध गुरु गोरक्षनाथ जी से जुड़ा हुआ है। भारत का प्रसिद्ध मंदिर विंध्यवासिनी देवी का, जिसकी पुजारिन एक अनुसूचित जाति की महिला पार्वती हैं, हमारे खाटू श्याम जी मंदिर के पुजारी हमेशा से राजपूत होते आए हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं हमारे सांगा बाबा सांगानेर के अंदर, इनकी पूजा का काम एक माहेश्वरी परिवार करता है। तो यह जो सामाजिक समरसता है, यह भारतीय संस्कृति की देन है, इसलिए इसको कभी भी राजनीति में डालने का काम करते हैं तो हम राष्ट्र के साथ अनर्थ करते हैं। जिस देश के अंदर
प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री कामेश्वर चौपाल के हाथों हो, उस देश के अंदर जातिवाद के नाम पर धर्म को बांटना, देवस्थानों को बांटना अपराध से कम नहीं है। आदरणीय सभापति जी, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 500 साल की सबसे बड़ी घटना रामलला के मंदिर का प्रतिष्ठापन हुआ है, उनके पुजारियों में अनुसूचित जाति के पुजारी रखे गए हैं। मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, कि 2018 से 23 के बीच में जयपुर जिले के अंदर 29 धार्मिक स्थल चयन किए गए, जिन पर 35,26,84,471 रुपए का स्वीकृतिकरण हुआ और 25,01,02,471 रुपए खर्च किए गए। इनमें क्या हुआ, हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज के मंदिर के लिए 20,30,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट 23-24 में बना और कार्यकारी एजेंसी JDA थी। हुआ क्या, JDA को 2.5 करोड़ रुपए दे भी दिए गए लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और आज की तारीख तक गोविंद देव जी का काम, जिसके लिए हमारे आदरणीय गहलोत साहब 100 करोड़ रुपया लगा के परियोजना बनाने का काम करते कह रहे थे, वो होल्ड पर रखा हुआ है। जिस गोविंद देव जी की छत्र छाया में सारा जयपुर निवास करता है, उनके मंदिर के लिए स्वीकृत की हुई राशि और JDA को दिया हुआ पैसा होल्ड पर रखा जाए, ये हमारे पूरे राजस्थान के लिए अन्याय की बात है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे सदस्य भी बैठे हैं जो इस समय नहीं है यहां पर, लेकिन जब श्रीनाथ जी को लाया गया वृंदावन से तो राजाओं ने जगह देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक मेवाड़ था जिसने कहा कि किसी भी कीमत के ऊपर चाहे कितनी ही जाने चली जाए, श्रीनाथ जी की स्थापना नाथद्वारा में होगी। इस तरह के राजस्थान का इतिहास है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इसके अंदर मैं हमारे माननीय सदस्य रफीक खान जी से माफी चाहूंगा कि कृपया सांप्रदायिकता का रूप देने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यह जो देवस्थानों से रुपया आया, देवालयों से जो चढ़ावे के रूप में रुपया आया, यह रुपया कहां गया? गोविंद देव जी के बाद में 9,42,82,00,000 रुपए बिना किसी परियोजना के लिए, मैं बैठ जाता हूं, बोलिए आप बैठिए, अली भाई बैठिए, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद रफीक खान जी से माफी मांगकर उनका नाम वापस करवाता हूं। बस इसमें क्या बात है, एक मिनट बात सुनिए, आपके इतिहास में जाना नहीं चाहता। राजस्थान में बजट इतिहास में एक बार लीक हुआ है, राजस्थान के इतिहास में बजट एक बार लीक हुआ है धौलपुर के जरिए, जाना नहीं चाहता। बैठिए, जानता हूं, बैठिए बैठिए, अरे सुनने की हिम्मत रखो। आदरणीय सभापति महोदय संरक्षण दें, आदरणीय सभापति महोदय संरक्षण दीजिए। क्या, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे सुनने की हिम्मत रखो। जिंदगी भर ऐसी आदत पड़ी रही कि मरने के बाद भी शराब के लिए आंखें खुली रही। आदरणीय सभापति महोदय, ईदगाह के लिए 9,82,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए हुए दिया गया और 2 करोड़ रुपए, बैठिए बैठिए, क्या नहीं बोलेंगे, देवस्थान की बात चल रही है, होगी बात, देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? अरे बजट है, बजट है, मंदिरों की बात चल रही है, मंदिरों का पैसा दे रहे इधर उधर, मंदिरों से लिया हुआ पैसा,
2,45,50,000 रुपए शांद्रे ईदगाह के लिए दिए गए, 1,90,00,000 रुपए खर्च भी हो गए। गोविंद देवालियों का पैसा गोविंद देव जी के लिए होल्ड और ईदगाह के लिए समर्पण, ये कौन सा न्याय है? आपको मैंने आश्चर्य होगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, पहले ही कह रहा था और मैंने दिए गलता पीठ में, देशद्रोह के मामले गलता पीठ में और मैंने दिए खोल के अड़बांजी में, और ईदगाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, मैंने दिए ईदगाह गलता पीठ के ऊपर और मैंने दिए खोल के अड़बांजी के ऊपर। बातें करते हो जातिवाद की। माननीय सभापति महोदय, संरक्षण दीजिए, संरक्षण दीजिए। दरगाह चार दरवाजा को मंदिरों का 95,00,000 रुपया दिया गया, दरगाह सांभर को 70,00,000, जामा मस्जिद जोहरी बाजार पर प्रोजेक्ट राशि का कुछ अता पता नहीं और 1,62,00,000 दिया गया। जब मस्जिदों से पैसा आता नहीं, मंदिरों की भावना का चढ़ावा मस्जिदों के लिए खर्च करना, ये कहां का न्याय है सभापति महोदय? मैं वहां से बाहर आ रहा हूं, अब असली जगह आ रहा हूं। आदरणीय सभापति महोदय, रफीक जी आखिरी कार्यकाल है आपका, आखिरी, वहीं आ रहा हूं, चिंता मत करिए। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे पता था तकलीफ होगी, घाव का ऑपरेशन करने पर तकलीफ स्वाभाविक है, इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा और जब दर्द होगा तो सिसकारी निकलेगी और सिसकारी निकलेगी तो जुबान खुलेगी और जुबान खुलेगी तो आह निकलेगी। 147 को बंद कर दे। आदरणीय सभापति महोदय, दो मिनट पहले, मुझे दुख इस बात का है, श्रवण कुमार बोल ही दिया, कि ये पैसा खर्च करते समय 5 साल तक गहलोत सरकार ने कोई सर्वेक्षण करवाने का काम नहीं किया, कोई सर्वे नहीं। इधर से आओ और इधर ले जाओ, कहीं से 50,00,000 पता नहीं कहां से आए और किसी को दे दो, दो MLA खड़े हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो, किसको दे दो? हत्यारों को दे दो। आदरणीय सभापति महोदय, आपके सामने मैं एक ऐसा विषय लाना चाहता हूं जिस जगह से यहां की विधानसभा भी जुड़ी हुई है। बहुत सी मंदिर माफी की जमीनें कांग्रेस के राज में जिनको बेचा नहीं जा सकता, उनको गैर कानूनी तरीके से परिवर्तित करके और समर्पित करवाया जाता है और मंदिरों की भूमि हाथ से निकलती जा रही है। जल महल के पास में एक होटल बनी, एक बड़े नामी गिरामी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी से जुड़े व्यक्ति ने मंदिर माफी की जमीन पर होटल बनवाया, सरकार को जमीन समर्पण करवाई और सरकार ने उनको एलोट करने का काम कर दिया। अपना ये विधानसभा, इसके बगल में शमशान है, विधानसभा के बीच में मंदिर माफी की जमीन थी, बेचारे मुआवजा मांगते रह गए, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। प्लीज प्लीज बात समाप्त करें अपनी। नहीं, समाप्त कैसे करूं, मेरा समय लूंगा मैं कोई जबरन बोलने वाला नहीं हूं, मैं जबरन बोलने वाला नहीं हूं, मेरा समय चाहिए मेरे को, आपका समय। मेरा निवेदन है, वही नहीं समय, अभी कितने एक मिनट हुए, कि मिनट बाकी है, पुजारी बाकी है, एक मिनट आप विराजिए, आप, ये मेरा काम है, आप विराजिए। आदरणीय सभापति महोदय, पुजारी जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी हत्याएं हो रही है, उनके पास भगवान का भोग लगाने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके पास में ठाकुर जी की पूजा करने के लिए भी पैसा नहीं है, खुद के पास भी परिवार की पालना करने के लिए पैसा नहीं है। एक कमेटी बना करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि
कि पुजारियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। अब मैं दूसरी मांग, जिसको मैं संक्षिप्त में पढ़ करके खत्म करना चाहता हूं। बस आप कहेंगे तो टेबल कर दूंगा, दो मिनट बोल दूंगा। आप टेबल कर दीजिए, क्योंकि दो तीन मिनट बोल देता हूं। एक मिनट में आपकी अपनी हाँ, बात समाप्त कीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 9 मार्च 2018 को इसी सदन में राजस्थानी लोक इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2018 सर्वसम्मति से पारित हुआ था। 11 अप्रैल 2018 को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। 5 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड गठन करने के लिए 7 सदस्यों का चयन किया गया, लेकिन इसके बाद में यह एक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह सौभाग्य की बात है कि इलेक्ट्रोपैथी विधा के संबंध में परीक्षण करके नियम बनाने की घोषणा इस बार की गई है। इससे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास का द्वार राजस्थान सरकार ने खोलने का काम किया है। आखिरी दो वाक्य हैं कि मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि ये 7 सदस्य जो बनाने का काम है यह भी किया जाए, बोर्ड को अमली जामा पहनाया जाए और शिक्षा और अनुसंधान के लिए बजट का आवंटन किया जाए। इतना ही कह करके मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रतन देवासी जी अंदर प्रवेश करते समय श्री रतन देवासी जी की बच्ची को सबसे पहले प्रवेश करवाया था। यह है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति। बिराजिए 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 आप बिराजिए सदस्य बोल रहे हैं, बिराजिए 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 आप।